लोकसभा चुनाव में हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं और विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जेजेपी द्वारा कांग्रेस को समर्थन देने पर बोले राज्य मंत्री, बोले यह इनको खेल और इस खेल में यह लोग सफल नहीं होंगे। जेजेपी विधायकों के संपर्क में होने पर बोले राज्य मंत्री, संपर्क तो हमारा हर किसी के साथ होता है, भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी और अभय सिंह चौटाला के साथ भी। कांग्रेस पार्टी सपने देख रही है कि वह आज ही मुख्यमंत्री बन जाए और सारा राजपाट उन्हें मिल जाए। कांग्रेस पार्टी की भूख मिट नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी में एक बीपीएल कार्ड बनाने के लिए भी पैसे मांगे जाते थे। देश के प्रधानमंत्री द्वारा 15 लाख रुपए देने के वायदे पर राज्य मंत्री ने कहा कि मुझे कोई वीडियो दिखाएं जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा हो कि हम देश के प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे, और अगर कहा भी है तो वह बीजेपी सरकार देने का काम कर रही है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हर साल 5 लाख रुपए परिवार को देने का काम बीजेपी कर रही है। सर, आज का जो मुख्यमंत्री का रोड शो था ग्रामीण क्षेत्र के, कैसा रहा? और मुख्यमंत्री लंच भी करके गए, तुम बता सकते हो? बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम रहा है। आज 16 गांव में माननीय मनोहर जी के कार्यक्रम रहे। लोगों में जो जोश उत्साह वो देखते ही बन रहा था। इतने भव्य रोड शो के कार्यक्रम हुए, मुझे लगता है कि एक तरफा पानीपत ग्रामीण में लोग भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल को खिलाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री घर पे भी रहे हैं सर, क्या ठीक है? कार्यक्रम के बाद लंच का वो करके गए, बस इतना ही है। तो कार्यक्रम के बाद उन्होंने आगे जाना था तो यहाँ लंच करके निकल गए। ठीक है सर। जिस प्रकार जेजेपी समर्थन करने की बात करी, कांग्रेस से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, हम समर्थन करेंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुमत जो है पास में पास बताने की कम है निर्दलीय? हमारे पास बहुमत कम नहीं, हमारा पूर्ण बहुमत है। जेजेपी और बाकी लोगों को तो ये लगता है ना कि भाई आज ही बस हम लोग मुख्यमंत्री बन जाए, आज ही चमत्कार हो जाए, ऐसा थोड़ी कुछ भी होता है। ये लोग सपने देख रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े बहुमत के साथ अभी तो हम लोग 10 की 10 लोकसभा तो जीतेंगे और वो जीत ही रहे हैं। विधानसभा में भी एक बहुत बड़े बहुमत के साथ हमारी फिर से सरकार बन रही है, इसलिए ये सपने जो देख रहे हैं, इनको अधिकार है सपने देखने का, तो देखे। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि हुड्डा अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो हम अपने 10 विधायक दे सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए भाई, उनको लगता है कि हमें अरे देने से सरकार गिर जाएगी, हम सरकार बना लेंगे, तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना कि ये इनका खेल है और इस खेल में ये लोग कहीं तक भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई कमी नहीं है बहुमत की, इसलिए ये लोग सपने देख रहे हैं। देखें, मैं तो वही कह रहा हूँ, संपर्क तो पैसे थोड़ी लगते हैं। जेजेपी और कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं आपके संपर्क में? देखिए, संपर्क तो सभी के साथ होता है, संपर्क की क्या बात है। संपर्क में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ भी मेरा संपर्क है, दुष्यंत चौटाला जी के साथ भी मेरा संपर्क है, अभय सिंह जी के साथ भी मेरा संपर्क है। संपर्क में क्या हुआ, संपर्क तो सबके साथ होता ही है, मगर जो लोग ये सपने देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि भाई सपने देखने में कोई पैसे नहीं लगते। कांग्रेस तो इतनी उतावली हो रही है कि उसको तो ये लग रहा है कि भाई कल ही राजपाट तुम्हारे हाथ में आ गया और तुम लोग तो बस मुख्यमंत्री बने बैठे हो। ये जो भूख है ना, ये इनकी मर नहीं रही है। पिछले 10 साल जब इनका राज रहा तो जो लूट खसोट इन्होंने मचाई थी, जो गरीब आदमी के साथ इन्होंने छल किया, कपट किया, धोखा दिया, आदमी भूलता थोड़ी नहीं है। एक बीपीएल का कार्ड बनाने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे, गरीब आदमी समझता है, जानता है। हमने गरीब आदमी के लिए 1,80,000 की एक सीमा तय की कि इससे नीचे का जो भी व्यक्ति होगा हम उसको घर बैठे सुविधा दे रहे हैं। गरीब आदमी अगर बीमार हो जाया करता तो हुड्डा जी और चौटाला जी बताओ तुमने उसके लिए क्या व्यवस्था की थी? हमने व्यवस्था करके दिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और ये व्यवस्था करके दी कि 5 लाख रुपये तक का इलाज सारे परिवार का आज सरकार फ्री में उसको 5 लाख रुपये तक का इलाज कराने की छूट दे रही है। और बड़ा काम हमने ये कर दिया
कि भाई जो 70 साल का मेरा बुजुर्ग है और उसको अगर इलाज करवाना है, चाहे वो चाची है हमारी चाहे वो हमारा चाचा है, अगर जिसकी उम्र 70 साल है, उन दोनों को 5-5 लाख रुपए का एक आयुष्मान भारत का मोदी कार्ड उसकी जेब में डाल रहे हैं हम लोग कि भाई ये तेरा कार्ड बन गया, अगर तेरे पास पैसे नहीं है या परिवार में कभी कोई इस तरह की दिक्कत आ जाए कि भाई ना इलाज कराने में सक्षम हो, या कई बार हमारा बुजुर्ग सोच लेता है भाई मैं तो उम्र के आखिरी दौर में खड़ा हूँ, मैं अपने बच्चों को क्यों परेशान करूँ, इसलिए कई बार अपनी बीमारी का भी वो हंस के टाल देते हैं, बेचारा इलाज नहीं करवाते। हमने साफ तौर पर कहा है कि अब तुम्हारी सिरदर्दी ख़त्म, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की गारंटी है हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का उसका इलाज करवाएंगे, उसका हमने कार्ड बना के उसकी जेब में डाल दिया। जिस मेरे बुजुर्ग के पास वो नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपना कार्ड बनवा लें। इतना बड़ा काम, और वो जो घर में है जो 5 लाख का उनके बच्चों के लिए, वो तो अलग है, ये अलग है। जो ये कांग्रेस के लोग या दूसरे झूठे लोग ये जो बात करा करते हैं ना कि भाई मोदी जी कह रहे थे 15-15 लाख रुपए खाते में कब डाल लेंगे कब डाल लेंगे, पहले तो आज तक हमने कभी कहा ही, आप तो मीडिया के लोग हो, आपने वो क्लिप दिखा दो सारी जनता को एक बार निकाल के जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मेरी सरकार बना और मैं 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डाल लूँगा, वह स्पीच निकाल के ज़रा दिखा तो दो एक बार हमारे को। अगर मान लीजिए अगर उन्होंने कहा, पर तो कहा ही नहीं, हमने तो सुना नहीं कदे, ना तुमने सुना, तुम भी चला चला देते हो खबरिया, हम तो कह रहे कि भाई तुम लोग वह निकाल के दिखाओ देश की जनता को। फिर भी माना मूलधन 100 रुपया अगर कह भी दिया तो भाई हमने 15-15 लाख रुपए डालेंगे नहीं, हमने डाल रखे हैं, 7 साल हो गए मोदी जी ने आयुष्मान भारत की स्कीम को चालू करे, 5 लाख रुपए का हर साल उसका कार्ड वो रिचार्ज होता है एक किस्म से, 35-35 लाख रुपए डाल दिए, 15 तो सीधे डाल दिए, इस साल के हर साल डालेंगे, हर साल एक दिन नहीं। जो मेरे घर का बुजुर्ग है 5-5 लाख रुपए ताऊ के ताई के, 5 लाख रुपये परिवार के, 15 लाख रुपये हो गए कि नहीं हो गए। कोई जी जो बदमाश लारा लप्पा लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, कह रहे कि जी हमारी सरकार आएगी हम ये करेंगे, वो तो करेंगे, हमने तो कर दिया भाई, हमने कोई काम नहीं छोड़ा जो हमने ना किया हो, और जो कदे आज तक इन कांग्रेस वाला ने चुटाला वाला ने कदे सपने में सोचा हो, इन्होंने जो काम सपने में भी नहीं सोचे वो काम हमने करके दिखा दिए जी। धन्यवाद। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।